लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है उनको लगता है कोई बहुत रॉकेट साइंस है और हम पीआर कर नहीं सकते हैं पीआर कभी भी वन वे कम्युनिकेशन की तरफ नहीं जाएगी पीआर में हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होगी डव की एक कैंपेन चली थी एवरी वुमन इज ब्यूटीफुल तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पी का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो उसके ज्यादातर फैसले करता है बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम बीयू टीवी के साथ मैं आपका होस्ट मलिक अहमद हसन नाज़रीन प्रोग्राम मीडियाोलॉजी में खुशामदीद आज बीयू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक दफा फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन और एक नए गेस्ट के साथ आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पब्लिक रिलेशंस इन मीडिया पब्लिक रिलेशंस जिसको हम उम्मी तौर पे पीआर कहते हैं पीआर दरअसल है क्या पी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि पी आर इज अबाउट क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड मैनेजिंग कम्युनिकेशन आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए एक इंतहाई खास मेहमान मौजूद है मीडिया स्टडीज में उन्होंने बैचलर्स कर रखा है और मीडिया स्टडीज में ही उन्होंने मास्टर्स किया है और अब मीडिया स्टडीज में ही पीएचडी कर रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज का एक चमकता दमकता चेहरा एक इंतहाई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पब्लिक रिलेशंस है आपने 2019 में बेरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस ज्वाइन किया और तब से बेरिया यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं पीआर के ही सब्जेक्ट्स आप डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज में पढ़ा रही हैं हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा ज़ाहिद साहिबा अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग शो हमारे ऑडियंस के लिए बताइए कि पीआर दरअसल है क्या और इसकी क्या अहमियत है क्या इम्पोर्टेंस है इसकी ऑफ कोर्स एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि पब्लिक रिलेशन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं उनको लगता है कोई बहुत रॉकेट साइंस है और हम पी आर कर नहीं सकते हैं तो टू पुट इट सिंपली पी आर बेसिकली इज ऑल अबाउट डिवेलपिंग फेवरेबल इमेज फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज टैक्टिक्स आप इस्तेमाल करते हो बट आपकी आपका जो एंड परपज़ है माइंड में वो यही है कि अमंग द मासेज और अमंग द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स आई वॉन्ट टू डिवेल्प माई फेवरेबल इमेज ठीक है लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आपने म्यूचुअल रिलेशनशिप डिवेलप करना होता है इट्स नॉट ओनली अबाउट माई गेम्स ठीक है इट्स ऑल्सो अबाउट योर गेम्स तो एक ऐसा कुछ भी एक्ट कि जिससे मुझे भी फायदा हो रहा है लेकिन रेलिवेंट पब्लिक्स को भी फायदा हो रहा है वो है बेसिकली पी आर फेवरेबल इमेज क्रिएट करना है पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना है और एक म्यूचुअल रिलेशनशिप मेरा और आपका बन जाना है वो सिंपल पी आर है जो आपने पूछा इंपॉर्टेंस मैं आपको लेके जाती हूं उस टाइम पे जहां से पी आर स्टार्ट हुआ प्रॉबेबली समवेयर इनटिव इन फोर्टी नाइन ठीक है पीटी uh, बर्नम का नाम एसोसिएटेड है इस तरह के एक्ट से जहां पे वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करते थे कभी कभी खराब टैक्टिक्स भी यूज करते थे लेकिन वो ये मेक श्योर sure करते थे कि जो पैगाम वो लोगों को देना चाह रहे हैं वो पैगाम लोगों तक पहुंचे यूरोप से एक सिंगर उन्होंने न्यूयॉर्क बुलवाई और इससे पहले कि वो हिट करती न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क में वो पहुंचती वहाँ पे उनके पहुंचने से पहले ही उनके हज़ारों फैंस बन चुके थे किस चीज़ की वजह से उस पीआर की वजह से उन पीआर आर कैंपेंस की वजह से जो पी टी बर्नम ने उस सिंगर के लिए वहाँ पर रन की थी तो पब्लिक रिलेशंस इतनी स्ट्रांग चीज़ है कि एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती किसी ने उनका गाना नहीं सुना लेकिन आप फिर भी उनके फ़ैन बन गए हो किस चीज़ की वजह से पी आर की वजह से तो पी आर की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आज के ज़माने में भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन एनी वे पी आर के बगैर काम कर सकता है so. आ, हम लोग कभी कभार दो टर्म्स को या दो दो तीन टर्म्स को कंफ्यूज कर देते हैं हम लोग अक्सर को रिलेट करते हैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से तो ये बताइएगा कि क्या पीआर और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में कोई फर्क है या ये एक जैसी चीज है या ये इंटरलिंक्ड है एग्जैक्टली वेरी गुड क्वेश्चन और ये ये कन्फ्यूजन हमेशा से है और हमेशा रहेगी ठीक है, है? देखे पहली बात तो ये कि जब हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक डिफरेंट यू नो विंडोज के अंदर हम एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग और पीआर को देखते हैं ऑल एक ये इसकी सब फील्ड जरूर है लेकिन हम इसकी डिस्टिंक्शन ज़रूर करते हैं दो तीन पॉइंट्स हैं इस पर भी मज़ीद डिस्कशन हो सकती है लेकिन अगर एक बेसिक आइडिया कोई लेना चाहता है तो वो यहाँ से ले सकता है कि एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग हमेशा वन वे कम्युनिकेशन की तरफ जाती है लेकिन पी कभी भी वन वे कम्युनिकेशन की तरफ नहीं जाएगी पी में हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होगी जो ऑर्गेनाइजेशन कह रही है और जो उसकी ऑडियंस चाहती है और कह रही है वो हमेशा उसका पार्ट रहता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका एंड गोल एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग में मेनली मोस्ट ऑफ़ द केसेस, मेजोरिटी ऑफ़ द केसेस आपका जो आर ओ आई है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपके फाइनेंशियल गेंस है मोस्ट ऑफ द टाइम्स पी आर में हमेशा ऐसा नहीं है डव की एक कैंपेन चली थी एवरी वुमेन इज ब्यूटिफुल ऑल दो उसमें उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन हुआ था बट दैट वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट द गेंड फ्राम दैट कैम्पेन ठीक है उनको क्या उन्होंने उससे क्या अचीव किया था कि हर कोई एवरी वन वॉज लुकिंग अप टू डव लुक एट देम कि ये इंक्लूजन की बात करें ये हर रेस हर कलर हर किसी की बात करें तो आ, पी आर में आपका आर सिर्फ पैसा नहीं होता आपकी अच्छी इमेज बिल्डिंग भी होती है एक थर्ड आ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल एक इश्तहार लगाना चाहते हैं अखबार में आपने उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है आपको सिंपल जाके वहां पर पैसे देने हैं तो वो इश्तेहार वहाँ पर लग जाएगा पी में आपको पैसे नहीं देने ठीक है पी आर में यू आर मेकिंग श्योर के यू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद विद दो जर्नलिस्ट यू जस्ट टेक देम ऑन कॉल एंड टेल दैम कि आई वन गेट दिस प्रेस रिलीज पब्लिश एंड बैंग योर प्रेस रिलीज कॉन बी ओवर देयर ठीक है या आप अगर किसी बंदे को अपने शो पर बुलाना चाहते हैं तो आप उसको पैसों के थ्रू नहीं बुलाएंगे आपका उसके साथ एक इस तरह का रिलेशनशिप होगा एक इस तरह की नेटवर्किंग आपने डिवेलप अपनी की होगी कि उसके थ्रू यू कैन गेट यूर थिंग्स डन तो पब्लिक रिलेशन पैसों से नहीं होता रिलेशनशिप से होता है जो बाकी दो चीजें उसमें मोस्टली मनी इज इन्वॉल्व फाइन यू मीन टू से जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग है वो ज्यादातर

तो ये पी ये पीआर पीआर के के में में डिजिटल डिजिटल डिजिटलाइजेशन क्या क्या है क्या है आज के जमाने में, पाकिस्तान में भी है कंपैरेटिवली लेकिन अगर हम बाहर के मुल्कों से देखें तो थोड़ा सा कम है लेकिन आज के जमाने में पीआर है ही डिजिटल पीआर आर ठीक है पब्लिक रिलेशंस जो भी चीजें हम ट्रेडिशनल मीन्स के थ्रू करते थे अब वो सब कुछ सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर आ चुका है ठीक है तो कोई भी एक्टिविटीज या कैंपेन्स जो आप ऑनलाइन रन कर नो कैंपेन्स रन करने के लिए इस्तेमाल करते हो बेसिकली दैट

तकरीबन अब आफ्टर अ सेंचुरी इन 2006 थाउजेंड uh, शिफ्ट है उन लोगों ने पहली डिजिटल प्रेस रिलीज पब्लिश की अब वो प्रेस रिलीज जो एक ट्रेडिशनल मीडिया पब्लिश कर रहा था और एक वो प्रेस रिलीज जो डिजिटल मीडिया में पब्लिश की गई उसमें फ़र्क क्या है इस क्योंकि प्रेस रिलीज ना पी uh, आर का एक बेसिक टूल है और हमेशा रहेगा अभी और बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन ये रहेगा तो उसी के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ डिजिटल जो टिपिकल प्रेस रिलीज़ है हेडर दी आपने हेडलाइन दी बेसिक सी आपने प्रेस रिलीज़ लिखी इन्फॉर्मेशन दी और आपने जर्नलिस्ट को भिजवा दी कि आप लोग इसको पब्लिश कर दें लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं है डिजिटल में आप उसके अंदर मल्टी यूज़ करते हो आप उसके अंदर बैक लिंक्स यूज़ करते हो हाइपर लिंक्स इन्फोग्राफिक्स यूज़ करते हो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें से अगर मैं आपको बैक लिंक्स की एग्जांपल दूँ आप फॉर एग्जांपल मोबाइल्स पे आपकी कंपनी है मोबाइल्स की और आपने उस पर प्रेस रिलीज़ लिखी है अब आप उसमें ये कहीं पर ये मैंशन करते हो कि वी ऑल्सो डील विद मोबाइल कवर्स ठीक है वहाँ पर आप एक लिंक बना दोगे कि जो भी बंदा वो प्रेस रिलीज कर रहा है वो उधर क्लिक करेगा तो वो आपके पेज पे चला जाएगा तो द पॉइंट इज के हर टूल जो है ना वो ट्रेडिशनल uh, का अब डिजिटल में शिफ्ट हो चुका है और uh, वहाँ पे इंगेजमेंट ज़्यादा हो चुकी है मल्टी मीडिया एड हो चुका है इन्फोग्राफिक्स ऐड हो चुके हैं पिक्चर्स ऐड हो चुकी हैं वीडियो पॉडकास्ट ऐड हो चुका है, है तो लाइक यू नो इट्स अ वेरी वाइब्रेंट थिंग ऑन डिजिटल पी आर इज़ अ वेरी वाइब्रेंट थिंग ऑन डिजिटल आपने पी आर uh, पर बात की

अच्छा इसमें बड़ी एक मैं आपको मज़े की एक्जाम्पल बताती हूँ पी आर जो पहले प्रैक्टिस हो रहा था ना जैसे मैंने आपको पी टी वर्नम की बात बताई है वो वो बड़ा एक ना आ, बड़ा ख़राब सा पी आर प्रैक्टिस हो रहा था वो ऐसा पी आर प्रैक्टिस हो रहा था जो झूठ पे मबनी था या जो इस तरह की टैक्टिक्स पे मबनी था जो थोड़े एथिकल नहीं थे आई वी ली जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम अप विद द प्रॉपर प्रेस रिलीज़ वो एक जर्नलिस्ट थे उन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा हुआ था ठीक है लेकिन वो उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया कि एक जर्नलिस्ट जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जानता है प्रॉबेबली कोई इकोनॉमिक्स से आने वाला या किसी और फील्ड से आने वाला इतनी अच्छी जर्नल इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं जानता तो वहाँ पे ये हुआ था कि जब आई वी ली एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने पी को ज्वाइन किया था तो पी का जो एक स्टेक था ना वो बहुत ऊपर चला गया था एक तो कम्युनिकेशन बहुत एथिकल हो गई थी राइटिंग हमारी किस तरह से वो लिख रहे हैं किस तरह से चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो तभी पीआर जो जर्नलिस्ट हैं जो हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको पीआर पढ़ाया जाता है बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर पीआर प्रैक्टिशनर्स ठीक है एंड आई गेस दैट इज वन एंड द वेरी मेन रीजन सो यू As a, uh, PR आपने आज तक uh, किस किसमेरी क्वेश्चन क्योंकि लकीली मेरा इतफाक ऐसा हुआ कि मैंने गवर्नमेंट की पी आर को भी देखा है मिलिट्री की पी आर को भी देखा है एन जी ओ ह्यूमैनिटेरियन डेवेलपमेंट सेक्टर की पीआर को भी देखा है तो काफी uh, हर जहाँ पे भी मैंने पी को देखा है उन सब का एक डिफरेंट रोल एक मॉडल है और एक डिफरेंट स्टाइल है you know? सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट मेनली कुछ क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में भी देखा कि कैसे उनकी पी आर काम करती है एटलीस्ट जब तक मैंने देखा था तब तक, तक दे वर एक्चुअली दे, दे कैप देम लिमिटेड टू प्रेस रिलीज वहाँ पर अभी तक जो हमारा मेजर टूल है वो प्रेस रिलीज है एंड दैट टू वो भी ट्रेडिशनल मीडिया पर लाजमी जाता है ठीक है तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट पी आर अभी तक प्रैक्टिस नहीं हो रही बट स्टिल दे आर ऑफ कोर्स जंपिंग इन टू सोशल मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट um, बाकी जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर है वहाँ पर uh, देखें एक चीज़ जो डिजिटल पी आर में मैं ज़रूर मैंशन करना चाहती थी वो है ऑडियंस लिसनिंग ठीक है इस पर भी मैंने बहुत काम किया ऑडियंस है कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स यूज़ करते हो और आप अंडरस्टैंड करते हो अपनी ऑडियंस को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है और पी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आपस में मर्ज हो रही है मतलब हमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी यू you नो know? Mm -hmm. अदूब सॉफ्टवेयर है जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिग डाटा के साथ डील करते हैं मैं कभी भी आपका इंटरेस्ट समझ ही नहीं पाऊंगी जब तक मैं आपको नहीं समझूंगी तो हम लोगों ने जब ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया तो हम ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे कि हम ऑडियंस पे काम करें ऑडियंस लिसनिंग बेसिकली इज़ अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस कि उनकी नीड्स क्या हैं उनकी डिज़ायर्स क्या हैं ताकि फिर हम अपनी कैंपेंस को उनकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग प्लान करें हम लोगों ने फिर हम जो है आ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हम नेटवर्क बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम करते थे कोई क्राइसिस आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है लेकिन अगर आपने अपनी पीआर अच्छी रखी हुई है ना तो ट्रस्ट मी कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे यू you नो know? yeah. तो उन इदारों में हमने इस चीज़ पे बहुत मेक किया जिस तरह डिफरेंट इश्यूज होते हैं डेंगू आ जाता है कोविड आ जाता है पोलियो की कैम्पेंस इस तरह की कैम्पेन्स रन करना एंड पीआर में यू कैन गो एज़ क्रिएटिव एज यू वॉन्ट बी तो बहुत लंबी लिस्ट है नेटवर्किंग कोलैबोरेशन स्पोंसरशिप एंड कैंपेन डिजाइन एवरीथिंग फाइन कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या पीआर मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन की ताकत रखता है यानी एक इमेज बिल्डिंग की आपने बात की तो क्या पीआर इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो एक इमेज का या एक वो सॉरी एक फर्म का एक ऑर्गेनाइजेशन का इमेज वो जमीन जमीन से से उठाकर उठाकर आसमान आसमान पर पर ले और पटक डेफिनेटली 100 PR में ये ताकत ऑफ uh, कोर्स है uh, कभी कभी हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों की रॉन्ग तो फिर क्या होता yes. है ठीक है फिर सब कुछ खत्म हो जाता है mm -hmm. आपकी एक सेकंड के लिए आपकी कोई इस तरह की वीडियो आ जाती है या आपका कुछ को, कोई इस तरह की चीज़ आपकी आम पे आ जाती है कि एवरी वन गोज अगेंस्ट यू वहाँ पे अगर आपने पहले से अच्छी पीआर की हुई हो अगर आपने लोगों को पहले से ही बताया हो कि

वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद नाजरीन जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक रिलेशंस पर यानी पीआर पर पीआर दरअसल है क्या और इसके क्या क्या फ़वाद और नुकसान हो सकते हैं इस पर तो हमने बात की फर्स्ट सेगमेंट में दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे उनसे पूछेंगे कि पीआर उनके नज़दीक क्या है और क्या कभी उन्होंने कोई पीआर कैंपेन रन की है या नहीं मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद अहमद काजी और सैयद शाह जरकअली शाहम वेलकम टू आवर शो वाल जमशेद मैं आपसे स्टार्ट करूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे पी के बारे में कि पी दरअसल है क्या और क्या आपने कभी कोई पी कैंपेन रन की है या नहीं थैंक यू अहमद फॉर हैविंग मी अच्छा तो पी आर जैसे लव से ही मतलब जाहिर होता है कि पी आर पब्लिक रिलेशन के लोगों के साथ हमारे कैसे रिलेशन होते हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पी आर का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो उसके ज़्यादातर फैसले करता है तो हम जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में हमने पी आर कैम्पेन भी की थी एक तो हमें एक क्लाइंट मिला था सोशल इन्फ्लुंसर था तो उससे हमने उसकी मतलब हमने पी आर कैम्पेन की जिसमें बहुत सी चीज़ें थी और मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आप जो है वो उस पी आर कैंपेन के लिए वो कंडक्ट कर जी हैं। जी यानी आपके लास्ट सेमेस्टर में ये आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा जी जी फाइन जरकाल शाह आप बताइएगा कि पी आर आपके नज़दीक क्या है और क्या आपने कभी कोई पी आर एक्टिविटी की है या नहीं जिस तरह कि आपको जमशेद ने बताया पी आर का मतलब पब्लिक रिलेशन होता है जो किसी भी इदारे को मजबूत करने के लिए बहुत अहम करदार अदा करता है पी आर किसी भी इदारे में होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वो उसके पब्लिक और इरा के बीच एक एज ए ब्रिज काम करता है और बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि हमने लास्ट सेमेस्टर ये एज ए सब्जेक्ट हमने एज ए कोर्स उठाया था ये और हमने इसको पढ़ा और उसमें हम लोगों का जो फाइनल प्रोजेक्ट था तो वो ये था कि हम लोगों ने किसी के लिए पी आर कैम्पेन रन करनी थी जो जो पी आर कैम्पेन हमने खुद रन की वो ये थी कि हमने एक इंस्टाग्राम का अकाउंट किया जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का था वो बेकरी आइटम सेल करती हैं हमने उनके लिए पी आर कैंपिन इस तरह रन की कि हमने उनको सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बताई कि आप अपने फॉलोवर्स को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पेज की तरफ जो कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अकॉम्पलिश कर सके उसको उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स uh, जो कि बहुत मशहूर थे आम यंगस्टर्स के बीच में उनसे शाउटआउट्स uh, करवाए उनके पेज के लिए फाइन ओके okay, सो so, नाजरीन आपने जाना हमारे साथ दो यंगस्टर्स मौजूद थे उन्होंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए पीआर से रिलेटेड सो so, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त इन एक नए एपिसोड के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ख्याल अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने